नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 जनवरी शुक्रवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अमर जवान ज्योति विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य मूर्ति लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने यह जानकारी ट्वीट कर दी। पीएम ने ट्वीट किया, ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट से बनी उनकी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। ये उनके प्रति भारत के ऋणी होने का प्रतीक होगा। जब तक नेताजी बोस की भव्य मूर्ति पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। मैं नेताजी की जयंती 23 जनवरी को होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करूंगा। राजस्थान के अजमेर में शहीद हेमू कालानी के 79वें बलिदान दिवस पर उन्हें विभिन्न सिंधी संगठनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर स्थानीय डिग्गी चौक स्थित हेमू कालानी की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय सिंधु सभा ने हेमू कालानी के बलिदान को सदैव स्मरण रखने वाला बलिदान बताते हुए कहा कि हेमू कालानी को याद रखना सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राजस्थान की 15वीं विधानसभा का सप्तम सत्र आगामी 9 फरवरी से शुरू होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस विधानसभा के 7वें अधिवेशन को बुधवार 9 फरवरी को पूर्वान 11 बजे आहूत किया है। जयपुर के चौमू थाना इलाके में नेशनल हाईवे 52 पर टांटियावास टोल प्लाजा पर देर रात को एक ट्रक ने परिवहन विभाग के उड़न दस्ते की जीप को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। गनीमत रही कि जीप में सवार सभी कर्मचारी अधिकारी सुरक्षित बच गए। बाद में उड़न दस्ते ने ट्रक का पीछा किया और टांटियावास टोल प्लाजा पर ट्रक को रुकवा लिया। ट्रक चालक ने उड़न दस्ते के अधिकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, तो वहीं ट्रक चालक ने अन्य लोगों को भी बुला लिया। देश में अब तक कोरोना के बूस्टर डोज लगना शुरू नहीं हुए हैं। अभी हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ ही 60 साल से ऊपर के ऐसे बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लगाए जा रहे हैं जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। इसमें एक शर्त ये भी है कि सेकेंड डोज और थर्ड डोज के बीच कम से कम 9 महीनों का गैप होना चाहिए। उसके उलट इंग्लैंड में 62% से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लग चुका है और वहां की स्टडी में ये सामने आया है कि जिन्हें बूस्टर डोज लगा है वो कोरोना से 90% तक सुरक्षित हैं। ऐसे में भारत में बूस्टर डोज अभी क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं। सपा परिवार की बहू अपर्णा यादव भाजपा में शामिल होने के बाद मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंची। बताया जा रहा है कि वो आशीर्वाद लेने पहुंची हैं। आपको बता दें कि हाल ही में अपर्णा ने सपा से नाता तोड़कर भाजपा से रिश्ता जोड़ा है। इसकी वजह बताई जा रही है कि अखिलेश ने उनको सपा से टिकट नहीं दिया था। अपर्णा ने सोशल मीडिया पर इसकी फोटो शेयर की है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के थमने के बाद रनवे पर लौटा यात्री भार तीसरी लहर में फिर से रनवे से उतरता दिखाई दे रहा है। उदयपुर के डबोक पर दिसंबर माह में 158,377 यात्रियों ने सफर किया था, यानी रोज 5,279 यात्री सफर कर रहे हैं। अब जनवरी में संक्रमण बढ़ने के बाद यात्री भार में 81.6% की गिरावट आई है। 10 फरवरी से रोज औसत 1,000 यात्री ही सफर कर रहे हैं। यात्री भार नहीं मिलने से उदयपुर एयरपोर्ट पर पिछले 3 दिन से रोज 8 फ्लाइट रद्द करनी पड़ रही है। आज पासपोर्ट एक अहम डॉक्यूमेंट बन गया है। यही वजह है कि सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों को काफ़ी सरल बना दिया है। अब आप घर बैठे बैठे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पासपोर्ट ऑफिस में जाने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस तरह मामूली प्रक्रिया के बाद पासपोर्ट तैयार होकर आपके घर आ जाता है। विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार के सचिव संजय भट्टाचार्य ने हाल ही में घोषणा की कि देश जल्द ही नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट पेश करेगा। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में भेड़िए के जोड़े से 10 बच्चे पैदा हुए हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अब 27 भेड़िए हो चुके हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में देश में सबसे ज्यादा वुल्फ यानी कि भेड़िए हो चुके हैं। देश के किसी भी चिड़ियाघर में इतनी संख्या में भेड़िए नहीं है। देश के विभिन्न चिड़ियाघरों में भेड़िए की काफी डिमांड है। भेड़िए के बदले देश के विभिन्न चिड़ियाघरों से बिग कैट्स आसानी से मिल जाते हैं। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के साथ हुई बदसलूकी के बाद शुरू हुए विवाद पर गुरुवार को कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने रजिस्ट्रार का नाम लिए बिना ही कहा कि उन्हें इस मामले में अब तक किसी तरह की कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई, जबकि मामले में ट्वीट करके और मीडिया के बीच में आकर लगातार बयानबाजी हो रही है। उन्होंने ऐसे लोगों पर यूनिवर्सिटी का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। कुलपति ने कहा कि अगर उनके विरुद्ध आरोप साबित होता है तो वे इस्तीफा दे देंगे। माघ माह की गुप्त नवरात्र 2 फरवरी से शुरू होगी। खास बात यह है कि इन 9 दिनों के दौरान मां सरस्वती का जन्मोत्सव भी रहेगा। इसके अलावा कई शुभ योग भी रहेंगे। इन योगों में की गई पूजा, दान पुण्य और खरीद फरोख्त विशेष फलदायी और समृद्धि कारक रहेंगे।
गुप्त नवरात्रि का समापन 10 फरवरी को होगा। नए साल की ये पहली नवरात्र है। भरतपुर के पंडित राममोहन शर्मा ने बताया कि माघ माह में पवित्र नदी कुंड या तालाब में स्नान दान करने का जितना महत्व है, उतना ही महत्व गुप्त नवरात्र में व्रत रखकर माँ दुर्गा काली की साधना उपासना करने का है। पाली जिले में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार सुबह मेडिकल कॉलेज की ओर से जारी की गई लिस्ट में 173 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए, इनमें 48 बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में अब जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 3,559 तक पहुंच गया है। मेडिकल कॉलेज पाली की ओर से शुक्रवार सुबह जारी की गई लिस्ट में 173 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBD न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।